Hello friends. Today we are starting the sixth chapter for the application in CNAP. In the first uh, concept is nothing but the tailnet. What is meant by tailnet? A uh, just uh, a specification of into the application. They are provide one of the service which is called as tailnet. So how tailnet will be work? Uh, introduction for a telnet where the tcp protocol make it possible to connect the remote computer the telnet protocol make it possible to use use them the telnet protocol offers a user the possibility to connect and log onto any other host in the network from user own computer by offering a रिमोट लॉग ऑन कैपेबिलिटी, ओके सिंपली टेलनेट क्या है सो टेलनेट वन ऑफ द एप्लीकेशन है जो हम इंटरनेट के बेसिस के लिए यूज़ करते हैं तो जब टेलनेट हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी सी पी प्रोटोकॉल तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं वो प्रोटोकॉल्स यूजिंग द टेलनेट के सर्विसेज के थ्रू और टीसीपी प्रोटोकॉल्स के हेल्प के ज़रिए हम एन नंबर ऑफ कंप्यूटर लॉग ऑन कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ तो यहाँ पे टेलनेट का जो पर्टिकुलरली वर्क है वो आता है टीसीपी आईपी के एप्लीकेशन पे मतलब टीसीपी आईपी के जो एप्लीकेशनस है जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं जो प्रोटोकॉल्स के स्टेप्स हैं उस स्टेप्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जनरेट करके एक रिमोट कंट्रोल के साथ एक सिस्टम को यन नंबर ऑफ सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं तो इसका बेसिक जो फंडामेंटल है मतलब सर्वर के साथ हम जब कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट तो वहाँ पे हम कौन से प्रोटोकॉल की तरफ जा रहे हैं कौन से प्रोटोकॉल से जो सर्विसेज़ मिल रही है जैसे कि यहाँ पे हम टेलनेट के बारे में यदि सोचते हैं तो टेलनेट टी सी पी आई पी के जो भी एप्लीकेशन है टी सी पी आई पी की इंटर रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल है उसकी हेल्प लेता है तो टी सी पी आई पी के साथ जो भी कंसल्ट टर्मिनल इमुलेटर्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो इमुलेटर के साथ वो एप्लीकेशंस वहाँ पे सर्वाइव करता है इन द टूडेज़ वाइल द एप्लीकेशन आर मोर एंड मोर इक्पेड विद द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस

देखते हैं तो होस्टिंग इज स्पेसिफिकली डिपेंड ऑन द एफ टी पी एस एम टी पी एस एन एम पी लाइकवाइज ओके एच टी टी पी इस जरिए हम क्या करते हैं टेल प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं अब ये बेसिकली यदि प्रोटोकॉल देखे जाए तो सबसे पहले टेलनेट का मॉडल जनरेट हुआ जो टी सी पी आई पी की हेल्प के साथ उसके एलगोरिज्म के साथ उसके प्रोटोकॉल uh, के साथ डिज़ाइन किया हुआ है तो वो तो टोटली डिपेंडेंट है फॉर द uh, जब आज के नेटवर्क के बेसिस में जैसे हम वर्क करते हैं एफ टी पी हो एस एम टी पी हो एच टी टी पी हो तो वो टोटली बेस ऑन द डिपेंड ऑन द क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर विच इज़ कॉल्ड एज अ टेलनेट प्रोटोकॉल ओके तो टेलनेट प्रोटोकॉल इस तरह से वर्क करता है ये बेसिकली इनफॉर्म होता है सो हाउ टू डिज़ाइन द टेलनेट मॉडल किस तरह से टेलनेट मॉडल डिजाइन किया होता है फॉर द कनेक्शन टेलनेट यूज द टी सी पी प्रोटोकॉल द टेलनेट सर्विस इज ऑफर्ड इन द होस्ट मशीन टी सी पी पोर्ट ट्वेंटी थ्री के जैसे हम ट्वेंटी फोर पोर्ट्स यहाँ पर देखते हैं तो इन टू द पोर्ट नंबर ट्वेंटी थ्री पे टी सी पी के जो भी मशीन से, टी सी पी के जो भी प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स वहाँ पर डिज़ाइन किए हुए और थ्रू द कनेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल टेलनेट के साथ कनेक्ट किया होता है ओके द यूज़र एट द टर्मिनल इंटरेक्ट विद द लोकल टेलनेट क्लाइंट ओके क्या करता है यूजर लोकल टेलनेट क्लाइंट के साथ कनेक्ट हुआ होता है द टेलनेट क्लाइंट एक्ट एज अ टर्मिनल एक्सेप्टिंग एनी की स्ट्रोक्स फ्रॉम द कीबोर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड इंटरप्रेटिंग दैम एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन द स्क्रीन द क्लाइंट ऑन द कंप्यूटर मेक द टी सी पी कनेक्शन टू द होस्ट मशीन पोर्ट ट्वेंटी थ्री वेअर द टेलनेट सर्वर अवेयरस द टेलनेट सर्विस इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन इन द होस्ट मशीन एंड असिस्ट इन द टर्मिनल एमुलेशन ओके सो दंबर ऑफ जो भी क्लाइंट है सपोज यूज़र कोई क्लाइंट है यूज़र कुछ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है यूजिंग द नेटवर्क सिचुएशन देन वॉट एवर द इंटरेक्शन विल बी अ डिपेंड ऑन द टेलनेट एक्ट टेलनेट के क्लाइंट किस तरह से एक्ट करता है उस हिसाब से वो कौन सी सर्विसेज एक्सेप्टिंग करना चाहता है उस सर्विसेज के लिए जो कीट्रोक्स की स्ट्रोक्स कीबोर्ड से जाने वाले हैं उसको आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करना और उसके ज़रिए जो भी मशीन का पोर्ट्स जो अवेलेबल कनेक्शन पोर्ट्स है ट्वेंटी थ्री वहाँ से 23, वो सर्वर के आंसर्स कैच करेगा और सर्वर के आंसर्स आपके सिस्टम पे डिस्प्ले करेगा तो ये बेसिकली फंडामेंटल्स होता है टेलनेट एमुलेटर्स का टर्मिनल के जो भी एमुलेटर्स होते हैं उसका तो अब इसका एक डिज़ाइन कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से टेलनेट वर्क करता है सो यूज़र टर्मिनल शो इन द डायग्राम सी इन द डायग्राम ओके सो यूज़र टर्मिनल अब यूज़र टर्मिनल यहाँ का मतलब होता है एक कोई क्लाइंट सिस्टम है यहाँ पे क्या है क्लाइंट सिस्टम है अब जो क्लाइंट सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हुए तो वो टी पे वर्क कर रहा है क्योंकि वी नो दैट द वेरी वेल द व्हाट एवर द टेलनेट वर्क इन टू द टी सी पी ओके सो टेलनेट कोई क्लाइंट है एक टी सी पी पे हमने एक टेलनेट क्लाइंट वहाँ पर जनरेट किया हुआ है और उसके बाद यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है अब जब भी यूज़र उसको एक्सेस करेगा तो टू वे कम्युनिकेशन वहाँ पर चलेगा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग मतलब रिक्वेस्ट सेंड करना और रिस्पॉन्स पास करना ओके सो थर्ड नंबर के ब्लॉक पे हम जब आते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर के साथ हमारा टेलनेट सर्वर कनेक्टेड है जो कि वहाँ पे भी टोटली totally वो बेस ऑन है टीसीपी, क्योंकि हमें पता है कि टेलनेट टोटली वर्क करता है टीसीपी आईपी पे ओके okay. तो एप्लीकेशन सर्वर जो भी टेलनेट का सर्वर है जो एप्लीकेशन वो क्लाइंट को पास करना चाहता है वो कोई तो भी स्टोर है तो यूज़र के टर्मिनल के साथ यूजिंग द क्लाइंट टेलेंट टेलनेट जिसको हम टी बोलेंगे वो क्लाइंट सर्वर को एक्सेप्टिंग करेगा प्रोसेसिंग सा एक मतलब रिक्वेस्ट करेगा जो भी उसको चाहिए मतलब जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से फिर सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट वहाँ पे गई हुई जो डेटा वहाँ पे अवेलेबल है अवेलेबल डेटा सेट वो पास करेगा किसको टीसीपी सर्वर के साथ क्लाइंट को क्लाइंट टेलनेट को और क्लाइंट टेलनेट आर कनेक्टेड टाइल टेलनेट क्लाइंट जो है जो सर्विसेज पास कर रहा है किसी यूजर को जो यूज़र टर्मिनल है उसको तो इस तरह से टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है किस तरह से ये मॉडल जनरेट किया जाता है टेलनेट प्रोटोकॉल मॉडल एज द कनेक्शन इज सेटअप द बोथ एंड ऑफ द टेलनेट कनेक्शन आर अज्यूम टू द ओरिएंटेड एंड टर्मिनेटेड एट द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल वी जिसको हम कहते हैं द वी एन टी इज़ ए नेटवर्क वाइड टर्मिनल विच इज़ होस्ट डिपेंडेंट सो दैट both the server and the client in the connection may not need to keep any information about each other terminals characteristics as both see each other as a NVT terminal okay तो हम यहां पे देखेंगे कि किस तरह से TCP/IP का जो server application है वो server application के जरिए जो responses वहां से send हो जा रहे हैं जो responses वहां से send किए जा रहे हैं तो हर एक टर्मिनल के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे क्लाइंट का यदि टर्मिनल्स होता है तो क्लाइंट का टर्मिनल वहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो वो टर्मिनल वहाँ से जा कर के सर्वर के लिए एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करेगा फिर जैसा ही रिक्वेस्ट वहाँ से आता है तो सर्वर क्लाइंट के कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्मिनल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स दे कैन इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट एड्रेस they can provide the applications okay as there are several type of terminals which may be able to provide additional services from those provided by the nvt the telnet protocol contains a negotiation method for the user and the server to negotiate changes to the terminal provided in the nvt typically the client and the server stay in the एन वी टी जस्ट अ लॉन्ग एज इट टेक टू सम टर्मिनल टाइप ऑफ द एमुलेटेड ओके सो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं देखते हैं जो भी सेवरल टाइप के टर्मिनल्स होंगे मतलब सेवरल टाइप के टर्मिनल्स इन द सेंस, वट आर द यन नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड यन नंबर ऑफ सर्वे सर्वर ऑल्सो ओके जो भी क्लाइंट से इंटर रिलेटेड जो भी सर्वस है सॉरी क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट से इंटर रिलेटेड जो भी सर्वर से वो सर्वर के साथ वहाँ पे क्या करेगा वो सर्विसेज पास करेगा तो टेलनेट यहाँ पे क्या वर्क करता है कि वॉट कौन से एडिशनल सर्विसेज एन के साथ कनेक्टेड हैं वहाँ से कौन से रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट uh, मुझे आ रही है सर्वर के लिए आ रही है वो सर्वर चेक करेगा कि व्हाट द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर आवर साइड और नॉट देन वॉट द कैरेक्ट्रिस्टिक्स दे हैव विद द हेल्प ऑफ दैट कैरेक्टिट कैरेक्ट्रिस्टिक्स द मेथड आर यूज फॉर द एन विटी एंड एन विटी पास द ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड ईच एंड एवरी वैल्यूएबल डेटा दे कैन पास इन टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट ओके विद द हेल्प ऑफ इट्स रिस्पॉन्सेज सो टिपिकली क्लाइंट एंड सर्वर स्टे इन द एन विटी अभी दोनों भी हमें कहाँ पर डिपेंडेंट है कहाँ पर स्टे है वो एन वी टी पे जिसको हम कहते हैं एन वी टी इन देंस <coughs> उसका टर्मिनल्स जिसको हम कहेंगे सर्वर एंड क्लाइंट का दोनों का भी टर्मिनल्स ओके सो व्हाट इज द ऑप्शंस ऑन टू द टेलनेट द टेलनेट हैज़ अ सेट ऑफ ऑप्शंस एंड दिस ऑप्शंस कैन बी निगोशिएटेड थ्रू अ सिंपल प्रोटोकॉल इनसाइड द टेलनेट द निगोशियेशन प्रोटोकॉल कंटेंस कमांड डू वेल दो तरह के कमांड्स यहाँ पे यूज होते हैं जो टेलनेट के लिए ऑप्शंस दिए हुए निगोशिएशन प्रोटोकॉल्स के दो कमांड्स है डू एंड वेल ओके सो वॉट एवर दे कैन कैच द डेटा सॉरी रिक्वेस्ट द डेटा द डेटा विल बी फाइंड थ्रू द डू कमांड एंड द वेलिंग फॉर ट्रांसफर द डेटा थ्रू दिस कमांड ओके सो ये दो प्रोटोकॉल्स के जो कमांड्स हैं टेलनेट इसको यूज़ करेगा ओके तो ये सिंपल स्पेसिफिकेशन होता है किसी भी टेलनेट का वाट एवर यू मैंशन यू प्रोवाइड द स्पेसिफिकेशनस ऑफ अ सर्विसेस जो भी क्लाइंट के लिए सर्विसेज जा रही है जो भी सर्वर के लिए सर्विसेज पास हो रही है वो टी सी पी आई पी पे थ्रू द टेलनेट जैसे हम आज देखते हैं एफ टी पी हो एच टी टी पी हो एस एम टी पी हो जो भी वर्क यहाँ पे कर रहा है जो भी असाइनड वर्क वहाँ परफॉर्म हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ ये टेलनेट ही पॉसिबल है और जैसे कि हम कहते हैं कि यूजर के कुछ टर्मिनल्स हैं क्लाइंट के टी सी पी पी टी सी पी पी भी क्लाइंट के साथ भी कोई टर्मिनल्स वहाँ पे जनरेट हुआ होता है तो क्लाइंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल्स मुझे डिज़ाइन करना है किस तरह से प्रोटोकॉल का डिज़ाइनिंग होगा कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है एड्रेसेस के साथ कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है और उस रिक्वेस्ट के लिए मुझे टी सी पी से लेकर के जो भी एड्रेसेस टी सी पी पे है वहाँ पर रिक्वेस्ट का एड्रेस जो भी है कॉम्बिनेशंस ऑफ एड्रेस कैन बी सेंड इन टू द टी सी पी सर्वर और टी सी पी सर्वर कैन कैच व्हाट एवर द डेटा और वॉट एवर द रिक्वेस्ट कैन बी सेंडिंग थ्रू द अ पर्टिकुलर क्लाइंट दे कैन चेक इट ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स फॉर आवर साइट और फॉर आवर डेटा सेट देन द डेटा सेट विल भी कैचिंग द कमांड फ्रॉम द यूजर साइड यूजर साइड कैचिंग द कमांड एंड These commands are available data set can be find out through the database section. Then the data will be generated into the number of packets. That data through the application sector, telnet server will be passed the response into the telnet client side. Okay. And they can telnet client side also be passed the data from the whatever the user they can accept it. Our user addresses are available. सो so, ये सिंपल कन्सेप्ट होता है कि, कि किसी भी टेलनेट का जो एक ओडेस्ट वर्जन है टेलनेट का जो ओडेस्ट वर्जन पे आज हम टी पे वर्क करते हैं जैसे कि एफ हो एच हो एस हो इस तरह से तो ये सिंपल कन्सेप्ट है टेलनेट का सो थैंक यू